दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी द्वारा हैवानियत करने का मामला सामने आया है। घटना बल्लभगढ़ इलाके की है, जहां पर लगभग 30 वर्षीय युवक ने 4 साल की मासूम बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कुछ देर बाद जब बच्ची के माता पिता घर पहुंचे तो उन्होंने बच्ची को लहूलुहान हालत में देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये कल एक महिला थाने में शिकायत मिली थी कि छोटी बच्ची है 4 साल की, उसकी मदर ने कंप्लेंट दी है कि वो सब्जी लेने गई हुई थी तो पीछे से उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने छोटी बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। उसकी शिकायत पर उस युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को कल ही अरेस्ट कर लिया गया था, उसको आज कोर्ट में पेश करके और उसको जेल भेज दिया गया है। छोटी बच्ची ठीक है, स्टेबल है, लेकिन उसको एक प्रिकॉशनरी उसका हॉस्पिटल लेके गए थे चेक कराने के लिए और बच्ची स्टेबल है, ठीक है। कितनी उम्र है और क्या आरोपी का बैकग्राउंड पहले भी क्रिमिनल अटैक पर है? आरोपी 30 की उम्र है उसकी, 30 वर्ष का है और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पहले से क्रिमिनल, और ये अनमेरिड है वैसे और मेहनत मजदूरी का काम करता है, पीछे से यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे किराए पर रह रहा है। तो क्या बच्ची अभी अस्पताल में है? नहीं, बच्ची अस्पताल से उसको छुट्टी दी जा रही है, स्टेबल है। अभी मैंने खुद वहाँ वीडियो कॉल करके देखा है, बच्ची घूम रही है वहाँ पे और ठीक है बच्ची। तो किन किन धारा के तहत मामला दर्ज किया गया? हाँ, युवक के खिलाफ 450 जो घर में घुसा था और बच्ची के साथ जो अटेम्प्ट किया है, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। क्या आरोपी अरेस्ट है? आरोपी अरेस्ट करके जेल भेज दिया है।